जिस हनीप्रीत को पुलिस नहीं ढूंढ पाई वो खुद मीडिया के सामने आ गई। राम रहीम को सजा मिलने के बाद हनीप्रीत पहली बार टीवी पर सामने आई हैं और मीडिया के साथ बातचीत में अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। अवैध संबंधों से लेकर फिल्मों तक पर उठे सवाल पर हनीप्रीत ने जवाब दिया है, लेकिन अगर राम रहीम को जेल नहीं होती तो अभी क्या कर रहे होते राम रहीम और हनीप्रीत? तो हम आपको बता देते हैं, साध्वियों से रेप के मामले में अगर राम रहीम जेल में नहीं होता तो इस वक्त वे हनीप्रीत के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर फिल्म बना रहा होता। पिछले महीने सीबीआई कोर्ट ने साध्वियों से रेप के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई थी। उस पर कई और आरोप है। सजा सुनाए जाने के बाद हिंसा फैल गई थी। हनीप्रीत भी तभी से गायब थी, एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। राम रहीम हनीप्रीत के साथ सुभाष चंद्र बोस पर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इससे पहले दोनों ने MSG के जरिए बॉलीवुड में एंट्री की थी। जानकारी के मुताबिक एक महीने बाद नवंबर से वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर काम शुरू करने वाला था। पहले की तरह इसके लिए भी वे और हनीप्रीत के साथ अभिनय से लेकर निर्देशक तक में हाथ आजमाता। उसकी योजना साल के अंत तक फिल्म को पर्दे पर ले जाने की थी। हालांकि जेल जाने के बाद उसका यह प्रोजेक्ट धरा रह गया। हनीप्रीत राम रहीम के साथ लगभग सभी फिल्मों का हिस्सा थी। ऐसे में अगर इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हुआ होता तो आज दोनों जोड़ी सुभाष चंद्र बोस पर फिल्म बना रही होती। NMF न्यूज की रिपोर्ट।